सो आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल ड्राई बनने वाला है, ओके, बिना ग्रेवी वाला। ओके, तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं डाल रहा हूँ रिफाइंड तेल। आप चाहे तो सरसों का तेल से भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट आता है। ओके, अब इसमें डालेंगे हम लहसुन। लहसुन को मैंने दबा कर यानी तोड़ा था, ओके, वरना क्या होता है कि ऑयल में डालने के बाद वो धीरे धीरे पटाखे की तरह फूटने लगता है। ओके, अब इसमें डाला गया है लाल सूखा मिर्च। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा और राई, यानी सरसों का बीज और जीरा। ओके, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम बिल्कुल ही स्लो है, वरना ये जल जाएगा। सो अब इसमें डाला जा रहा है कटा हुआ प्याज। ओके, प्याज डालकर हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे तब तक ऑनियन, जब तक ब्राउन ना हो जाए। ओके, सो ऑनियन ब्राउन हो चुका है। ओके, तो अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ आलू। ओके, ये कच्चा आलू है, चिप्स टाइप कटा गया है। ओके, आप अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। अब आलू डालकर अच्छी तरह से फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ओके, जो इसमें ऑनियन वगैरह जो पड़ा हुआ है चारों तरफ, ओके, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे सभी को। ओके ओके, कुछ देर पकाने के बाद, ओके, फिर मैं इसमें अभी डाल रहा हूँ कटा हुआ भिंडी है। ओके, आलू आधा पक चुका था, उसके बाद मैंने इसको अभी भिंडी डाला है। भिंडी को पहले वॉश कर लेना है, उसके कुछ देर उसको जाली में छोड़ देना है जब तक उसमें एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा वो निकल जाए, उसके बाद इसे कट करना है, वरना ओके ये सब्जी बिल्कुल ड्राई ही होने वाली है। तो इसे कवर कर लेंगे, फिर बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो कुछ देर बाद देखिए कुछ ये कंडीशन है, थोड़ा थोड़ा सा नीचे जलने लगा था। ओके, गैस बिल्कुल ही स्लो है क्योंकि ये सब्जी बिल्कुल हम ड्राई बनाने वाले हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और ये है नमक। ओके, सारा मसाला आप अपने हिसाब से ले लिए। ओके, जितने भी क्वांटिटी में आप बना रहे हो उतना ही आपको उसी हिसाब से आपको मसाला लेना है। सो ये है जीरा पाउडर और ये है धनिया पाउडर। ओके, अब इन मसालों को डालकर ओके आराम से मिक्स करेंगे। ओके, वरना भिंडी का भेजा फट जाएगा। ओके, आराम से हमें इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम में। ओके, तो ये अब मिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, देखिए कुछ इस तरह का ये कलर है इसका, बिल्कुल क्लोज से दिखा रहा हूँ। तो अब इसे कवर कर लेंगे, कुछ देर बाद चेक करेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। ओके, टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, भिंडी में टमाटर अगर नहीं डालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिर्फ टेस्ट के लिए आपको लेना है थोड़ा सा खट्टापन और टमाटर के टेस्ट के लिए। भिंडी में टमाटर नहीं चाहिए तो अब मत डालिए। ओके, तो टमाटर भी पूरी तरह मिक्स हो चुका है, अब इसे थोड़ी देर पका लेते हैं टमाटर। ओके, अब देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट बाद ये कंडीशन है, देखें। ओके, तो हल्का सा मिक्स कर लेंगे, टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है। ओके, हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे वरना भिंडी पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, बिल्कुल स्लोली इसे मिक्स करेंगे। ओके, तो अब हमारा भिंडी और आलू का जो ड्राई सब्जी हमने बनाया था वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। सो धनिया पत्ता सबसे पहले कट कर लेना है, उसके बाद एक बॉल में पानी लेना है और धनिया पत्ता को डाल देना है। उसके बाद अच्छी तरह से उसको मिक्स करके ऊपर से उठाकर धनिया पत्ता निकालना है। ओके, जो भी मिट्टी होगी वो नीचे रह जाएगी। ओके, इस तरह धनिया को धो लेना है। ओके, सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।